कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सदन में साधु संतों की भागीदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि सदन में 50 से 55 धर्माचार्य होने चाहिए ताकि ऐसा वैसा कोई भी कानून बनने से रोका जा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ भी की है। 55 धर्माचार्य सदन में जाने चाहिए। देश की राजनीति पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। बयान की सदन के अंदर साधु संत होने चाहिए। साधु संत होंगे तो अनाप शनाप कानून बनने से रोक पाएंगे। तो जब धर्माचार्य जाएंगे सदन में जाएंगे तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। आखिर क्यों देवकी नंदन ठाकुर ने सदन में संतों के होने की वकालत की, वजह भी सुन लीजिए। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो। एक बाबा बैठा ले हमने, एक बाबा बैठे हैं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने उदाहरण दिया तो लगे हाथों ये भी बता दिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्टाइल है वो धर्म, विकास और इंसाफ को साथ लेकर चलने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में कहा चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। और जब कोई ज्यादा उदम कर तो कहा तो बुलडोजर चल रहा है। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर सदन में दिए बयान पर हमला बोला था। अब धर्माचार्यों को सदन में भेजने की वकालत कर नया भारत बनाने की बात कह रहे हैं। तो जब धर्माचार्य जाएंगे सदन में जाएंगे तो लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून नहीं बनेंगे। स्कूल में मेरे बच्चों को बॉलीवुड के सॉन्गों पे नहीं नाचना पड़ेगा। कोई भी मेरे बच्चों को तिलक लगाने से नहीं रोक पाएगा। धर्माचार्य बैठकर नए भारत के लिए नए कानून लाकर नया मार्ग दिखाकर उन घरों में खुशहाली लाएंगे। धर्माचार्यों को सदन में भेजने को लेकर देवकी नंदन ठाकुर ने दलील भी दी है। कहा है कि जिस तरह से यूपी में धर्म और कर्म के साथ विकास हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, वो पूरे देश को राह दिखा रहा है। उसके पीछे रीजन योगी जी को देख लो। एक बाबा बैठा ले हमने, एक बाबा बैठे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहा चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है, विकास ही विकास चल रहा है। और जब कोई ज्यादा उदम कर तो कहा तो बुलडोजर चल रहा है। मतलब धर्म भी और कर्म भी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर धर्म को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं। उनके बयान पर कई बार राजनीति भी होती है। अब एक बार फिर उन्होंने यूपी का उदाहरण देकर सत्ता में संतों की हिस्सेदारी होने को जरूरी बताया है। जी मीडिया के लिए मथुरा से कन्हैया शर्मा की रिपोर्ट।